हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ बहुत खुश हो और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हो। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके खुद के ही चैनल लाइफ एंड एवरीथिंग में। दोस्तों, भयानक गर्मी आ चुकी है और उसके साथ साथ आ गई है बहुत सारी टैनिंग की प्रॉब्लम, सनबर्न की प्रॉब्लम और हाइपर पिगमेंटेशन, तो मान लो एकदम से बौखलाई जाती है। तो बहुत सारे स्किन इश्यूज़ अब होने वाले हैं और इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में हमें स्लीवलेस पहनना है, हमको मतलब हल्के फुल्के कपड़े पहनना है और उसके ऊपर से डर भी है कि सन में चेहरा डैमेज हो जाएगा, सनस्क्रीन तो हमें लगानी नहीं है। तो इतने सारे समस्याओं के बीच में हमारी स्किन की तो मतलब बैंड ही बच जाती है। तो इसीलिए आज मैं आपके पास एक मैजिकल क्रीम लेकर आई हूँ। जी हाँ, क्रीम। दोस्तों, हमारा जो स्किन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा, कोई भी चीज़ जो आप लगाते हो स्किन के ऊपर, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है रात को जब हम सोते हैं। वो कहते हैं ना, जब हम सोते हैं बचपन में, हम थोड़ा थोड़ा करके जो लंबाई आती है हमारी बॉडी में, वो सोते टाइम ही आती है। जितने भी सारे ग्रोथ होते हैं, जो भी होते हैं, वो नींद में ही होती है। तो जब हमारी बॉडी पूरी रेस्ट में होती है तो हमारी स्किन भी बहुत अच्छे से काम करने लगती है। तो इस वजह से अगर रात को हम कोई भी चीज़ का अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो बस फिर क्या, मैं यही सोच के आपके पास एक बहुत ही बढ़िया सा समर नाइट क्रीम लेकर आ गई हूँ, जो बनाने में बिल्कुल आसान है लेकिन इसका इफ़ेक्ट 100% बहुत ज़्यादा है। आपको पहले दिन से ही पता चल जाएगा अगर आप इस नाइट क्रीम को कंटिन्यूसली 10 दिनों तक लगाएंगे। उसके बाद आप खुद सोचेंगे आईने के सामने खड़े होकर कि ये मैं हूँ या कोई और है। आप एक बिफ़ोर और एक आफ्टर पिक्चर लेकर रख सकते हैं खुद देखने के लिए कि डिफरेंस क्या है और उसके बाद क्या है। अगर अच्छा लगे तो कंटिन्यू कीजिए। देखिए, ये नाइट क्रीम आजकल मैं खुद यूज़ कर रही हूँ और इस वक्त मेरे चेहरे पर कोई मेकअप नहीं है सिवाय लिपस्टिक और कुछ आई मेकअप के। मैंने अपने स्किन पर कुछ नहीं लगा रखा है, ये देख लीजिए। ये जो ग्लो है, ये ग्लो कोई हाइलाइटर का नहीं है, इट्स कम्प्लीटली नेचुरल। जो मैंने आपको बोला है वही चीज़ मैं खुद लगा चुकी हूँ, लगाकर मुझे फ़ायदा हुआ, इसीलिए मैं वो आपके सामने लेकर आई हूँ। तो और ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए आइए देखते हैं वो क्या है। हमारा पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है एलोवेरा। अब एलोवेरा के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, मतलब एलोवेरा ये सोचिए कि भगवान का एक वरदान है हमारे लिए। एलोवेरा सिर्फ स्किन केयर नहीं, स्किन केयर, हेयर केयर, मेडिसिनल पर्पज़, हर चीज़ में यूज़ होता है। एक एलोवेरा अगर आप किसी भी चीज़ में ना मिलाकर जस्ट उसका एक लीफ, एक टुकड़ा कट कर लो और उसको सिर्फ रब करते रहो अपने चेहरे पर सुबह उठकर 10 मिनट के लिए रब करते रहो, आपका स्किन का 90% इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। मैं ये खुद करती हूँ, मैं अपने चेहरे पर कभी कुछ ना कुछ सुबह उठकर लगाती रहती हूँ, उसमें से एलोवेरा एक चीज़ है। सो ये जो एलोवेरा होता है उससे आपका सनबर्न ठीक हो सकता है, आपका ये एक एंटी एजिंग है, आपके जो रिंकल्स वो सब कुछ है वो उसको फिक्स कर सकता है। स्किन में अगर किसी तरह के रैशेस ये सब हो रखे हैं तो उसको फिक्स कर सकता है, ब्लेमिशेस हो रखा है तो उसको फिक्स कर सकते हैं, यहाँ तक कि डार्क सर्कल और पफी आइज उसको भी फिक्स कर सकते हैं। एलोवेरा एक बहुत ही बेहतरीन मॉइस्चराइज़र होती है। अगर आप नहाने के बाद, बहुत सारे हम सब लोग मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, ये वो लगाते हैं, आप सिर्फ एलोवेरा जेल लेके लगा लो और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, पूरे दिन में कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा वो हाइड्रेट करता है हमारी स्किन को। इसके अलावा ये जो आजकल एक क्या बोलते हैं, हर जगह पे हर ऐड पे सुनने में आ रहा है कि कोलेजन कोलेजन कोलेजन, ये सप्लीमेंट्स खाओ, वो सप्लीमेंट्स खाओ, लेकिन शायद आपको पता नहीं कि ये जो एलोवेरा होता है ये एक्चुअली कोलेजन को बिल्ड करने में और उसको मेंटेन करने के लिए बहुत बढ़िया सी एक चीज़ होती है। तो जो एक ये छोटा सा एक प्लांट पे इतना सारा कमाल की चीज़ें भरपूर मात्रा में हैं, आज हम उस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमारा पहला इंग्रेडिएंट हो गया है एलोवेरा। ओके, अब आते हैं हमारे दूसरे इंग्रेडिएंट पे। हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है हल्दी, यानी कि टर्मरिक। अब ये तो और एक सर्वगुण संपूर्ण चीज़ है, इसमें भी मेडिसिनल पर्पज़ के अलावा स्किन के लिए और हर एक चीज़ के लिए मानो एक ये एक वरदान ही है। ये जो हल्दी होती है ये दो तरह की होती है, एक तो है गीली हल्दी और एक होती है हमारी वाइल्ड टर्मरिक, जो और एक होती है जो पाउडर हल्दी जो हम लोग किचन में इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन जब भी फेस के लिए स्किन के लिए कुछ करना है तो हम एज यू ऑल नो कि हम लोग हमेशा वाइल्ड टर्मरिक यानी कस्तूरी मंजल भी बोलते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो वाइल्ड टर्मरिक होती है कड़वा होता है, इसीलिए खाने वाने में इस्तेमाल नहीं होता है। अगर आपके पास वाइल्ड टर्मरिक नहीं है तो आप किचन वाला टर्मरिक भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही आपको बेनिफिट देगा। लेकिन ये जो किचन वाले टर्मरिक होता है अगर आप अच्छे ब्रांड के लेते हो तो सही है, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ मिलावट मिल ही जाती है। तो अगर हम वाइल्ड टर्मरिक की बात करते हैं तो ये जो टर्मरिक होती है ये एक एंटी बैक्टीरियल फ्रूट बोल सकते हो या वेजिटेबल जो भी बोलते हो इसको, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो अगर आपके चेहरे पर एक्नी है या आपके चेहरे पर किस तरह के एक्जिमा या कोई भी स्किन इरिटेशन, लाल लाल हो जाना, बम्स आ जाना, ये सब कुछ है, तो हल्दी उस सारे चीज़ को मिटा सकती है। ओके, इसके अलावा भी हल्दी में उतनी क्षमता है कि वो आपके टैनिंग को अकेला दूर कर सकता है। जी हाँ, टैनिंग के लिए अगर आपने सुना होगा, ये जब भी लोग धूप में टैन हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, नानी दादी मम्मी ये सब लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा बेसन और हल्दी लगा लो, बहुत पुरानी कहावत है। तो ये जो हल्दी है वो टैनिंग को भगाने के लिए तो मतलब बहुत ही कमाल की चीज़ होती है। उसके अलावा भी अगर पिंपल्स हो रखा है तो उसको भगाता है। अगर आपका जो चेहरा है एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, जितना ऑयल ज़रूरी नहीं है उतना ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो उसको कंट्रोल में लाता है। हल्दी से आप एक ग्लोइंग चेहरा पा सकते हो और हल्दी से आपका जो एक्चुअल कलर है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप गोरे हो जाओगे, लेकिन आपका जो एक्चुअल कलर है वो कलर को अगर आपका टैनिंग हो गया है या फेड हो गया है वो धीरे धीरे आपका जो ओरिजिनल कलर है वहाँ तक उसको लेके जाएगा। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि गोरी हो जाएंगे या वो हो जाएंगे, बिकॉज मेरे हिसाब से हर एक स्किन कलर बेहद ही खूबसूरत होती है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर गोरी स्किन है तो ही खूबसूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। और एंड आई एम श्योर कि जो भी इस चैनल को देख रहा है ये सारे प्यारे लोग इस बात को ज़रूर समझेंगे। सो ये रही हल्दी की बात। एक छोटी सी टिप, वो जो गीली वाली हल्दी होती है ना, आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी, अगर वो गीली वाली हल्दी का छोटा सा टुकड़ा आप गुड़ के साथ सुबह खाली पेट खाओगे तो आपको ज़िंदगी भर लिवर की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये गारंटी है। ये मेरा नानी का नुस्खा है, मैंने आपको बता दिया, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारा जो थर्ड इन्ग्रीडियंट है वो है ग्लिसरीन। जी हाँ, अब ये ग्लिसरीन, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ग्लिसरीन को चेहरे पे लगाना सही है कि नहीं, कोई इफ़ेक्ट करेगा कि नहीं। तो जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ग्लिसरीन बिल्कुल सेफ़ है। इनफैक्ट शायद आपको पता भी नहीं होगा, हर एक मोस्ट ऑफ़ द ब्यूटी प्रोडक्ट्स, चाहे वो आपका फेस वॉश हो, चाहे सोप हो, चाहे मॉइस्चराइज़र हो, चाहे आपका सनस्क्रीन हो, हर एक प्रोडक्ट में ग्लिसरीन होता है। क्योंकि ग्लिसरीन एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करता है और उसको लॉक करके रखता है। जैसे कि क्रीम लगाने के बाद कुछ देर बाद वो ड्राई होने लगता है, अगर आपका स्किन एक्सट्रीम ड्राई है तो आपको कुछ देर बाद ड्राई फील होने लगता है, राइट, जब वो सूखने लगता है या एवेपोरेट हो जाता है तब। लेकिन ग्लिसरीन एक ऐसी चीज़ है जो आपके स्किन के मॉइस्चर को उसी जगह पर लॉक करके रखती है, इसीलिए हाइड्रेशन के लिए ग्लिसरीन से बेहतर और कुछ नहीं हो सकती है। ये स्किन का एक बेस्ट फ्रेंड है अगर आपको सॉफ्टी स्किन चाहिए तो। तो हम ये ग्लिसरीन को इस क्रीम में उसी वजह से यूज़ करेंगे ताकि हम लोगों का जो स्किन का मॉइस्चर है, जो हाइड्रेशन है, वो लॉक रहे और स्किन यंग और सफल दिखे। हमारा फोर्थ और लास्ट इन्ग्रीडियंट, जी हाँ, अब ये इन्ग्रीडियंट के मैं आपको तीन चॉइसेस देती हूँ। ये इंग्रेडिएंट और कुछ नहीं है, विटामिन सी सीरम है। तो या आप विटामिन सी सीरम आप बाज़ार का कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप पहले से भी यूज़ कर रहे हो, या फिर आप अपना नेचुरल विटामिन सी ले सकते हो। किससे लोगे, या तो आप एक टमाटर का जूस निकाल लो उसको यूज़ कर लो, या फिर एक आप नींबू का रस निकाल लो उसको यूज़ कर लो, या फिर आप बाज़ार से कोई भी विटामिन सी सीरम यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप टमाटर का जूस और नींबू का रस, ये दोनों यूज़ नहीं करना है, कोई भी एक यूज़ करना है। अगर आप ये नेचुरल चीज़ें यूज़ कर रहे हो, टमाटर का जूस या नींबू का रस, तो आपको ये क्रीम फ्रिज में स्टोर करना होगा। लेकिन अगर आपको फ्रिज में स्टोर नहीं करना है, ऐसे ही अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखना है और नॉर्मली बहुत दिनों तक यूज़ करना है, कुछ लोग होते हैं थोड़े से लेज़ी, उनको बार बार बनाना नहीं है, तो उनके लिए बाज़ार से ख़रीदा हुआ विटामिन सी सीरम बेहतर होगा।
मैं ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं खुद एक विटामिन सी का सीरम यूज़ कर रही हूँ, पिछले 3 महीने से यूज़ कर रही हूँ, और मैंने जितने भी सारे विटामिन सी के सीरम यूज़ किए हैं मुझे अब तक ये वाला बेटर लगा, तो मैं ये आपको रेकमेंड कर सकती हूँ, और लिंक पे भी मैं इसका दे दूँगी, अगर आप चाहे तो आप इसे परचेस कर सकते हो, नहीं तो हमारा नींबू और टमाटर तो है ही। चलिए ये बनके तैयार हो गई हमारी क्रीम। अब इसको आप एक छोटे से डिब्बा में भर के रख दीजिए, वो डिब्बा प्लास्टिक का नहीं कांच का होना चाहिए, प्लास्टिक ना यूज़ करें, जितना हो सके प्लास्टिक को अवॉइड करें। आप एक छोटे से कांच के डिब्बे में उसको भर के रख दीजिए, पुराना कोई भी क्रीम का डब्बा तो हो ही जाएगा, घर पे मत फेंकिए, उसको धो के यूज़ कर लीजिए, या फिर आपको ऑनलाइन में भी छोटे से कांच के डब्बे मिल जाएंगे, ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। आप घर एक थोड़ा सा 5-6 बॉटल ऐसे छोटा छोटा खरीद के रख लीजिए, काम तो ज़रूर आ जाएगा। तो ये जो क्रीम है, ये क्रीम आपको रात को सोने से पहले अपना चेहरा अच्छे से साफ़ कर लीजिए, फेस वॉश लगाकर या जो भी है आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद आप टोनर यूज़ कर लीजिए, स्प्रे कर लीजिए अच्छे से टोनर, और उसके बाद अपने गर्दन पे और अपने चेहरे पर ये वाला क्रीम अच्छे से लगा लीजिए। देखिए कोई भी चीज़ लगाने के तुरंत इफ़ेक्ट नहीं देता है, चाहे वो अगर आप बाज़ार से भी कोई चीज़ खरीद कर लेकर आते हो वो भी आपको तुरंत इफ़ेक्ट नहीं देता है, और ये तो DIY है, तो इसमें तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब ज़्यादा टाइम मतलब ये नहीं कि आपको 10 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, बस 10 दिन। तो आप 10 दिन के लिए कंटिन्यूसली इस क्रीम को हर रोज़ रात को लगाइए, और बिफ़ोर फ़ोटो खींचना मत भूलिएगा, और आफ्टर फ़ोटो फिर से खींचिएगा, और आप खुद सरप्राइज़ हो जाएंगे, जैसे कि मैं सरप्राइज़ हो गई हूँ मेरे खुद की स्किन देखकर। मेरी स्किन इतनी ग्लो नहीं कर रही थी कुछ महीने पहले, ये बहुत डल हो गई थी, और समर में तो छोटा छोटा यहाँ पे पिंपल्स भी आ गया था,
लेकिन जब से मैंने ये क्रीम यूज़ करना शुरू कर दिया है, मतलब मैं खुद इसकी फ़ैन हो चुकी हूँ। तो आप खुद इस्तेमाल कर लीजिए और देख लीजिए, अगर यकीन ना आए तो खुद इस्तेमाल कर लीजिए, और अगर इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको अच्छा लगा, आपको बेनिफिट मिला, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आके एक कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसे फ़ायदा हुआ इस क्रीम का, ताकि बाकी लोग भी देख सकें और इंस्पायर हो सकें और मैं भी इंस्पायर हो सकूं और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे चीज़ें फ्यूचर में लेकर आ सकूं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा आप सबको प्यार, और इस वीडियो को छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि हमेशा जब भी मैं कुछ लेकर आ पाऊँ आपके पास, आप उस चीज़ को देख पाओ और उसका पूरा इस्तेमाल कर पाओ। और वो छोटा सा बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, आपको पता कैसे चलेगा मैं कब आऊँगी, है कि नहीं। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।